हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यस गाइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुम्हारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करके चलता है मार्क्स में, मतलब अपनी हायरार्की को मेंटेन करते हुए चला है ये, अपनी गुडविल को मेंटेन करते हुए चला है ये चैप्टर। हर एग्जाम में ईच एंड एवरी अटेम्प्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन बच्चों को दिखता ही दिखता है पेपर में। तो उस हिसाब से अगर ये हर पेपर में अपनी जगह बना रहा है तो हमें भी अपने दिल में थोड़ी सी जगह इसके लिए जरूर बनानी चाहिए। तो उस हिसाब से हम इस चैप्टर के अपने दिल में जगह बनाते हुए और प्यार करते हुए इस चैप्टर का धुआंधार फास्ट ट्रैक करने वाले अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हेडिंग डालेंगे फटाफट से सारे बच्चे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, दिस चैप्टर रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट, राइट गाइस? यस भैया, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द स्पेशल पेन्स फॉर दिस चैप्टर। ओके भैया, ग्रीन रेड और अपन उतारे हैं लाइन में ऑरेंज को, कस्टम में देखते हैं कोई सा अच्छा कलर होगा अपने पास। ओके, वी हैव पिंक। तो चलो ये तीन कलर हम उतारे हैं इन लाइन हमारे इस चैप्टर के लिए। तो बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो कॉस्टिंग का मतलब हम लोगों को पता है, कॉस्ट की अकाउंटिंग करना इज नोन एज कॉस्टिंग। बट व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? तो स्टैंडर्ड मींस, सॉरी, स्टैंडर्ड मींस द बेंचमार्क we set according to the past experience standard means the benchmark we set according to the past experience for comparison with actual performance with standard performance. Okay, so what do you mean by standard? Standard का मतलब होता है benchmark set करना, मतलब अपनी past performance के according। जैसे मेरे को एक बात बताओ simply, तुमको पता है तुम्हारा benchmark क्या है? Let's say तुम लोगों का exam में 80% आता था class 10 तक, तो तुमको तुम्हारा benchmark पता है। तो तुम जब next class में जाओगे तो तुम target करोगे कि कुछ तो भी 85% तक मैं इसको पहुंचाऊं। अब बताओ तुम अनरियलिस्टिक से टारगेट रखोगे, मैं 80% में था, मैं 95 में पहुंच जाऊंगा एकदम से जंप करके। चलो एक बार को मान लेते हैं, रिजल्ट्स में हम लोग इस चीज को कंसीडर कर भी लेते हैं, ठीक है, एकदम रेयर केस में। लेकिन जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारी लिमिट चल रही थी 80% कैपेसिटी में। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ना अचानक से हम लोग 100% में जंप कर जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रेंड, ट्रेंड के बेसिस पे, या फिर प्रॉफिट की बात करें हम, पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे करंट प्रॉफिट को डिसाइड करना, करंट कॉस्ट को डिसाइड करना, करंट सेल को डिसाइड करना एस्टिमेटेड बेसिस पे। और फिर जब इस साल का हो जाएगा, ये वाला साल खत्म हो जाएगा, तो इस साल की टोटल जो भी कॉस्ट आएगी या जो भी सेल्स आएगी या जो भी मेरी परफॉर्मेंस होगी, उसको मैंने एक बेंचमार्क बनाया था ना कि ये मेरा बेंचमार्क है, इस साल इतना होना चाहिए, बट मेरा एक्चुअल में इतना हुआ, तो उसको मैं कंपेयर करता हूँ। बराबर आ गया तब तो वेल एंड गुड, बट बराबर आना बहुत रेयर केस की बात है, या तो ऊपर आ सकता है या तो नीचे आ सकता है। तो दैट इज नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क सेट कर देना कि भाई ये अपना लेवल है, अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस ये अपना लेवल है, अब इस लेवल के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू डिसाइड इस बार की परफॉर्मेंस को आप इस लेवल के बेसिस पे क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। आ रही है बात समझ में? हाँ जी भैया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब भी यही बन के निकलेगा यहां पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस डिसाइडिंग, क्या सेटिंग लिखते हैं, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एज पर पास्ट रिकॉर्ड्स एंड देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड्स to find out the variances.
जो भी वेरिएंस आएंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये काम करते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? यस। अब ये वेरिएंस जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? वेरिएंस मेरा हो सकता है फेवरेबल एंड एडवर्स, दो प्रकार का हो सकता है, फेवरेबल या एडवर्स। तो समझो ना मेरी बात को, तुम्हारी जो एक्चुअल कॉस्ट आई अगर वो तुम्हारी स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जितना आपने सोचा था उससे कम है तो आपके लिए फेवर वाली बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव बात है मतलब फेवरेबल। और अगर तुम्हारी एक्चुअल सेल्स जो आई, अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं, वो ज्यादा है तुम्हारी स्टैंडर्ड सेल्स से, मतलब तुम सोचे थे अरे इस बार 100 यूनिट बिकेंगे पर इस बार 150 यूनिट बिक गए, तुम्हारा फायदा है, ये तुम्हारी फेवर वाली बात है, तो ये फेवरेबल हो गया। इसका उल्टा एडवर्स मतलब होता है नेगेटिव रिजल्ट्स आना। तो जब तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी तुम्हारी स्टैंडर्ड कॉस्ट को, मतलब जितना तुम सोचे थे उससे ज्यादा खर्चा हो गया, ये तुम्हारे लिए बुरी बात है। और तुम्हारी एक्चुअल सेल्स अगर कम रह जाएगी तुम्हारी स्टैंडर्ड सेल्स, मतलब तुम सोचे थे कि मेरी सेल्स होगी 100 यूनिट की पर तुम्हारी सेल्स हो गई 80 यूनिट्स की, तो ये भी तुम्हारे लिए खराब बात है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारे लिए फेवरेबल या एडवर्स वाली बात हो गई। वैसे तो इस चैप्टर में हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, बट फिर भी सेल्स के बारे में मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया। ठीक है, लिख लो इसको, लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखना अपना काम है, लिखना अपना काम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। लो जी, ठीक है, ओके भैया। चलो भाई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या यूज है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या यूज है? फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड्स, बजट्स बनाना, कॉस्ट कंट्रोल करना, प्राइसिंग डिसीजन, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, तो इस टाइप के काम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस कंपेयर करना, बजट सेट करना, कॉस्ट कंट्रोलिंग करना, प्राइसिंग डिसीजन लेना, इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना, ये सारी चीजें काम में आती है। तो कृपया करके इसको सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे फटाफट से। सारे बच्चे बोले, सारे बच्चे बोले। हो गया जी बच्चों? यस, आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेते हो सारी चीजें। ओवरऑल हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप के वेरिएंसेस पढ़ने हैं। जिसके ऊपर मैं ऑफ कोर्स वन बाय वन बात करूंगा, एक साथ तो मैं तुमको सारी चीजें करवा नहीं दूंगा। और रही बात फॉर्मूले की, तो बेटा ऐसा पढ़ा दूंगा किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, चलो वेरियंस भाई 3 प्रकार के तुम लोगों को पढ़ने इस चैप्टर के अंदर। मटेरियल वेरियंस, लेबर वेरिएंस, वही तुम्हारे जो मेजर 3 कॉस्ट शीट के एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंस तो भाई है ना, नहीं होना, नहीं होना एक बराबर है। और ओवरहेड्स वेरिएंस, उस पर कोई वैरायटी नहीं होती ना ज्यादा, इसीलिए। तो ये 3 वेरिएंसेस हमको पढ़ना है, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले मटेरियल पढ़ेंगे, फिर लेबर पढ़ेंगे, फिर ओवरहेड्स पढ़ेंगे। ओवरहेड्स के अंदर भी हम लोग 2 पढ़ेंगे, एक होगा तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस और एक होगा तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो ये तुमको ओवरऑल वेरिएंसेस पढ़ने हैं। तो पहले हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डाले भैया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। वेरिएंसेस इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारे होते हैं,
वेरिएंसेस। तो इन टोटल भाई अपने पास एक दो तीन चार पांच पांच होते हैं वेरिएंस। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक एक करके पहले फ्लो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा आता है मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। यस, फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राइस और यूसेज वेरिएंस पे डिसाइड हो जाता है। फिर यूसेज जो है वो मिक्स और यील्ड वेरिएंस पे डिवाइड हो जाता है। तो कैन वी राइट दिस थिंग्स? यस गाइस। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये होता है मेरा एम फोर माइनस एम वन, तब डिवाइडेड है। पहले लिखने का काम कर लो, समझाने का काम बाद में, लिखने का काम पहले। लिखने के बाद समझा सकता हूँ, समझाने के बाद लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसको मैं लिखता हूँ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो एम फोर माइनस एम टू होता है, और ये होता है एम टू माइनस एम वन। ठीक है, और फिर तुम्हारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस को भी दो हिस्सों में बांट देना तुम। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बेटा मैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर एक टेबल बनाता हूँ और खत्म कर देता हूँ, एक टेबल बनाना सिखाऊंगा पूरा खत्म, और वो एक टेबल के ऊपर ही हमारी मेनली मेहनत होगी। अब यहाँ पर M3 आ जाएगा, तो मटेरियल मिक्स हो जाएगा M3 माइनस M2, और ये हो जाएगा M4 माइनस M3। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को एनालाइज करोगे, पहले तो ये M1 M2 M3 M4 क्या है उसको इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता क्या होता है। अभी पढ़ाया हो क्या? नहीं पढ़ाया हो, और तुम्हारे टीचर ने तुम किसी के पास से भी अगर क्लास की हो, अगर किसी अलग मैथडोलॉजी से पढ़ाया है, तो मैं प्रीफर करूंगा मेरा वाला मेथड सीख लो, मेरे को कंपैरेटिवली ज्यादा इजी लगता है। एट टेबल बनाओ और गेम खत्म। चलो जी, तो देखो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को M1 M2 M3 M4 मैं 5 मिनट बाद बता रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन सबसे पहले इस टेबल के अंदर की कुछ चीजें तुम एनालाइज कर लो। फर्स्ट एनालाइज, सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आया है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। अब ये कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस आता है वो दो तरीके से आ सकता है। किस तरीके से? कि आप सोचे थे मेरे को 100 किलो लगेगा प्रोडक्शन के लिए, आपको 150 किलो लग गया, तो 50 किलो ज्यादा लग गया ना, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी के वजह से भी कॉस्ट बढ़ सकती है, और दूसरा ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है ना। और दूसरा ये प्राइस की वजह से, आप सोचे थे 10 रुपए किलो मिल जाएगा, आपको 12 रुपए 15 रुपए किलो मिला, नहीं तो 8 रुपए 5 रुपए किलो मिल गया। तो प्राइस भी कम ज्यादा हो सकती है प्रोडक्शन के टाइम पे परचेस कर रहे जब, और क्वांटिटी भी कम ज्यादा हो सकती है। तो ये जो कॉस्ट पे ओवरऑल कॉस्ट पे जो डिफरेंस आएगा वो या तो क्वांटिटी के वजह से भी हो सकता है और प्राइस के वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कि यूसेज, यूसेज मतलब क्वांटिटी के वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है, और दूसरा प्राइस के वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है। अब प्राइस का तो कोई फर्दर बायफोर्गेशन नहीं हो सकता, पर यूसेज का भी दो बायफोर्गेशन हो सकता है। एक हो सकता है मटेरियल मिक्स वेरियंस, एक हो सकता है यील्ड वेरियंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि जैसे समझो तुम्हारे शहर में एक मस्त चाय मिलती है, बट वही चाय वाला तुम देखियो अपने आंखों से सामने खड़े होके, वो दूध डालते हैं, वो चाय पत्ती डालते हैं, वो अदरक डालते हैं, वो शक्कर डालते हैं, और वो तुलसी की पत्ती डाल देते हैं। तुमने देखा उनको चाय कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तुम घर आए, तुम बोले यार मैं रोज 10 रुपए देता हूँ, उससे अच्छा मैं घर में बनाना सीख लेता हूँ। तो तुमने भी दूध डाला, तुमने चाय पत्ती डाली, तुमने शक्कर डाला, तुमने अदरक डाला, तुमने तुलसी भी डाल दी, और तुम बनाए, तुमको वो टेस्ट नहीं आया जो वहां पर आ रहा था, तो तुमको समझ में नहीं आया डिफरेंस क्या आ रहा है। तो तुम उन भैया के पास गए, पूछे भैया मैं भी तो सेम बनाने की कोशिश किया पर मेरे में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो वो बोले बेटा मिक्स का डिफरेंस मतलब कि बेटा जो मैं डालता हूँ मेरा अंदाजा, मेरी क्वांटिटीज, मेरा प्रपोर्शन रेशियो ऑफ मिल्क इज टू चाय पत्ती इज टू शक्कर इज टू अदरक इज टू तुलसी, ये जो मेरा रेशियो है वो फिक्स्ड रेशियो है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ 20-25 साल से। ठीक है, पर तो इसलिए मैं मास्टर हो गया उस रेशियो को बनाने में, और वो बेस्ट रेशियो है मेरे जैसे चाय बनाने का, पर तुम्हारा रेशियो डिफरेंट होगा, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो मोटा मोटा ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यूसेज के टाइम पे भी अगर तुमने मिक्सचर जो रेशियो आपको मेंटेन करना था एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का, वो आप अगर बिगाड़ दिए, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर भी रॉ मटेरियल्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मिक्स वेरियंस हो गया, और लास्ट है यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का मतलब होता है कि आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आपने खराब क्वालिटी यूज की रॉ मटेरियल की। आप सोचे चलो सस्ते में निपटाते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल लिया, सस्ते रॉ मटेरियल की वजह से वो क्वांटिटी नहीं निकली बाहर, वो आउटपुट निकला बाहर जो आपको चाहिए था। तो इस वजह से आपको और मटेरियल लाना पड़ा और खर्चा करना पड़ा,
और ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये हो गया आपका यील्ड वेरिएंस। तो ये आपके मैंने शॉर्ट में बताया बेटा, वैसे तो ये डिस्कशन का मुद्दा 1 घंटे का होता है रेगुलर लेक्चर्स में, बट ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ डेडिकेटेड फर्स्ट रिवीजन व्हाट वी कैन से, ठीक है। तो ये तुम्हारा यील्ड वेरिएंस हो गया। अब मैं बात करता हूँ M1, M2, M3, M4 के। तो इसके पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। यस भैया, व्हाट टर्मिनोलॉजीज यू आर वांटेड टू टॉक अबाउट। अब देखो ये टर्मिनोलॉजीज मैं M1, M2, M3 और M4 में यूज करूंगा, तो मैं पहले ही तुमको बता देता हूँ। एक होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी लगा और जो एक्चुअल आपको रेट लगा, रेट उसका, जैसे मान लो एक्चुअल क्वांटिटी 1000 किलो लगी और एक्चुअल रेट भी आपको कितना लगा, 10 रुपए के हिसाब से लगा। तो ये होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसके बाद सेकेंड तुम्हारा आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड टर्मिनोलॉजी आएगी तुम्हारी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब तुम समझ लो बहुत ध्यान से। तीसरा एक और बताऊंगा मैं, थर्ड वाला, पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब जो आपने रॉ, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट, मतलब जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी परचेस करके लाई है, लेट से 1000 किलो और एक्चुअल रेट 10 रुपए पड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सेकेंड नंबर में लेना तो एक्चुअल क्वांटिटी है, पर रेट तुम्हारा यहां पर स्टैंडर्ड हो जाएगा, रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां पर स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्मिनोलॉजी तुम्हारी हो जाएगी, थर्ड वाला जो हम लोग बात करेंगे ये होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बट इन स्टैंडर्ड रेशियो। ये थर्ड टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, मतलब आपको यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है। तो जब भी याद रखना स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है तो मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड रेट से ही होगा, मल्टीप्लाई तो हमेशा स्टैंडर्ड रेट से ही होगा, बट क्वांटिटी क्या लेनी है, रॉ मटेरियल बट इन स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब लेना भी रॉ मटेरियल ही है। अच्छा, तो रॉ मटेरियल ही लेना है, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ही लेना है बट इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो इसको मैं प्यार से बोलता हूँ रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना अपने ऊपर, अभी बात करूंगा मैं, थोड़ी सी देर सबर करो, ये लेक्चर खत्म होते तक तुम लोगों को मटेरियल में मास्टर बना के भेजूंगा, ठीक है। बस ये लेक्चर आपको पूरा देखना है अच्छे से। ओके भैया, ठीक है, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट तुम्हारा होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये बेसिकली क्या होता है, सुनना, ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यहां पर लिखना ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये चारों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, इंग्लिश में नहीं पता होगी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोगों को ऐसे पता होनी ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि M1, M2, M3, M4 बनाने में काम आने वाली है। चलो अब एक टेबल सिखाऊंगा और उसी के अंदर सारी एक्सप्लेनेशन करूंगा जो मैंने ऊपर लिखवाई है, ऊपर जो मैंने जो भी कुछ लिखवाया उसकी सारी एक्सप्लेनेशन इस टेबल के अंदर हो रही होगी। चलो जी, यहां पर तुम्हारा जो भी पर्टिकुलर्स में, जैसे मान लो एक ही रॉ मटेरियल है, एक से ज्यादा है, जनरली एक से ज्यादा ही होगा, तो यहाँ लिख देना रॉ मटेरियल ए बी सी जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद तुम लिखोगे यहाँ पर M1, M2, M3 और M4। अब क्या होता है M1, M2, M3, M4? देखो एक सेकेंड, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी गलती भैया, गलती थोड़ी बोलते इसको, फॉर्मेट नहीं लिख पाया अच्छे से, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, M1, M2, M3 और M4। देखो इसको कैसे करना है आपको सॉल्व, समझना मेरी बात को ध्यान से। M1 का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, M2 का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, M3 का फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और M4 का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर विथ एक्चुअल्स,
देन वी कन्वर्टेड द रेट इंटू स्टैंडर्ड, देन वी कन्वर्टेड द क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेशियो, एंड देन वी कन्वर्टेड द कंप्लीट क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल से स्टैंडर्ड तक का सफर तय किया हमने, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब इस पूरे टेबल में सिर्फ एक चीज ध्यान देने वाली है, बाकी सब क्वेश्चन में रहेगा, सब का सब, बस एक चीज निकालने के लिए आपको थोड़ा जूझना भी पड़ेगा, और वो है SQ। क्या है वो? SQ। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, इन सब का आपको टोटल निकाल लेना है, जो भी आपका टोटल आएगा वो आपको यहां से फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में? यस। अब ये टोटल निकाल लिए, अब इसी को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं फॉर्मूलाज के अंदर, बट पॉइंट ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यू। तो एसक्यू के ऊपर मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा आपको। देखो एसक्यू का एग्जांपल क्या है, मान लो एक्चुअल स्टैंडर्ड, ठीक है, तो मटेरियल और रेट, मटेरियल रेट मान लो 3 रुपए है, 4 रुपए है, और ये मटेरियल हो जाएगा 10 किलो, 12 किलो, ठीक है, रेट पर केजी है ना, पर केजी, ठीक है, रेट पर केजी। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डेटा दिया हुआ है। मैं आपको बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स, और ये आपको पूरा डेटा एक यूनिट का दिया हुआ है। एक यूनिट बनाने के लिए मैं बोला था कि आपको स्टैंडर्ड लगेगा 12 किलो, बट आपको एक्चुअल में सिर्फ 10 किलो लगा, ठीक है, स्टैंडर्ड में बोला था 12 किलो लग जाएगा, बट एक्चुअल में आपको सिर्फ 10 किलो लगा, ठीक है, और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की 100 यूनिट्स की। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगी एक्चुअल में प्रोडक्शन करने के लिए। तो मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स की है, और अगर मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही लगता तो कितना होता? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, 12 किलो पर यूनिट है, मतलब 12 किलो लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 12 किलो आटा डालो, 12 किलो प्लास्टिक डालो, 12 किलो लोहा डालो, जो भी है 12 किलो डालो तो एक यूनिट बन के बाहर निकलेगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 100, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 12 किलो पर यूनिट, तो आपको 1200 किलो लगेगा, बोलो हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो, स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो तो एक यूनिट के लिए 12 किलो लगना था, तो 12 × 100 1200 किलो आपको लगेगा अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो। तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक्चुअल में जो आउटपुट बाहर निकला है उसके लिए अगर आप स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना मटेरियल लगेगा, आ रही बात समझ में? तो दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। बाकी इसके ऊपर तो अभी और चर्चा होगी, कि जितने क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन में हमको निकालना है, और हर क्वेश्चन में M4 निकालना है, तो बार बार चर्चा होगी, 1000 बार चर्चा होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था टू द मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस विद द फॉर्मूलाज। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, क्लियर है क्या? कॉस्ट वेरिएंस मतलब पता है, इन टोटैलिटी, यूसेज वेरिएंस मतलब यूनिट्स में डिफरेंस आना, रॉ मटेरियल में डिफरेंस आना, प्राइस मतलब प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल में डिफरेंस आना, मिक्स और यील्ड वेरिएंस बता दिया हो तुम लोगों को, ठीक है, ओरली एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब टर्मिनोलॉजीज तुम लोगों को पता है, ये टेबल बनाने आना चाहिए। और वैसे टेबल इतने क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, अच्छे खासे क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, डेडिकेटेड तो हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर ही लेंगे, जिससे तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ ना, कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है, ओरली मैंने बता दिया, यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ओरली मैंने सब चीज बता दी है। थ्योरी इफ यू वांट टू रेफर तो आप अपनी बुक रेफर कर सकते हो, अगर थ्योरेटिकली आपको चीजें जाननी है तो, बट बाकी क्या आप तो खुद इंग्लिश में लिख सकते हो ना, तो उसमें कोई बात नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, क्या बोल रहा है देखो, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ जेड आर एस फॉलोस। तो एक चीज वैसे हमेशा ध्यान में रखना, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस तभी आ सकता है जब, या स्पेशली मिक्स वेरिएंस तभी आ सकता है जब तुम्हारे एक से ज्यादा मटेरियल हो,
क्योंकि मतलब चाय बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल चाहिए होते हैं ना, जब एक ही मटेरियल है तो मिक्सिंग में गलती कहाँ से हो सकती है, जब रॉ मटेरियल एक ही है तो देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो स्कोप ऑफ मिस्टेक इन मिक्सिंग, प्रपोर्शन में कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रपोर्शन तो तब आएगा जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे, तो मिक्स वेरियंस उस केस में नहीं निकल सकता। तो अगर उस केस में फिर भी क्वेश्चन जबरदस्ती फोर्सफुली आपको बोल दे, एक ही रॉ मटेरियल का क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको फोर्सफुली बोल दे कि निकाल के दिखाओ मिक्स वेरियंस, तो आप क्या करना, सिंपली जो भी आपका उसके इमीडिएटली ऊपर वाला आंसर होगा, मतलब आप M1, M2, M3, M4 निकाले हो, जैसे मान लो M3 निकाल रहे हम और M3 हमको निकालते नहीं बन रहे, तो M3 के जस्ट ऊपर वाला जो आंसर है M2, उसी को M3 भी मान लेना, मतलब जो भी M2 होगा उसको M3 मान लेना, क्लियर है। और वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत लड्डू होता है ये क्वेश्चन, और इतना लड्डू क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकता, बट फिर भी कभी 1 मार्क्स में आया तब तो फिर अलग कहानी है वो, कभी कभी इन फ्यूचर जब तक आपका निकल भी चुका होगा इंटर, ठीक है। ओके भैया, तो फिर हम लोग को क्यों बता रहे हो, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड 50 यूनिट दे के रखी है, एक्चुअल 45, प्राइस पर यूनिट 1 रुपए और 80 पैसे दे के रखा है, मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस निकालने बोल रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या निकालना है हमको, M1, M2, M3 और M4, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ऐसे ही करते हैं। हाँ जी भैया, तो सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 45 और एक्चुअल रेट 0.8, ये आ रहा है बेटा 36, ठीक है 36। M2 निकालेंगे, M2 एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, M3 बच्चों M3, तो M3 के लिए तो डेटा ही नहीं है क्योंकि रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि मिक्सिंग में गलती है ही नहीं, मिक्सिंग वाली कोई बात ही नहीं उठ रही है, तो बस इसका जो आंसर है वही लिख देना है, यहां पर भी सेम लिख देना। मैं बोला ना अगर क्वेश्चन फोर्सफुली बोले, वैसे तो ये क्वेश्चन बोला है मटेरियल वेरियंसेस निकालो, तो अगर बोल दे तो बस उसके पहले जो आंसर होगा वो लिख देना। और M4 क्या है, SQ - SR, तो SQ into SR, सॉरी मैं माइनस बोला क्या भैया, SQ into SR, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट 50 हो गया। अब निकालना है क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस M4 - M1, ठीक है, तो 50 - 36 आएगा। मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस के अंदर, मेरी एक बात समझना ध्यान से, मटेरियल यूसेज वेरियंस के अंदर आपको क्या लेना है, जहां पर रेट सेम है क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो ये देखो, जैसे मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं ना, ये देखो अब मान लो ये फॉर्मूला भी मेरे को नहीं याद हो रहा है, तो अब इसको कैसे याद करूं मैं, तो समझो मटेरियल यूसेज वेरियंस निकालना है आपको, यूसेज, तो आपको डिफरेंस बताना है कि क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आया, क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आया, मतलब मैं इतना सोचा था इतना यूज हुआ, यही बताना है ना। तो यहां पर रेट का मुद्दा नहीं है, नहीं है, तो रेट जो है वो सेम होना चाहिए जब आप इसको कंपेयर करोगे। तो देखो पहली बात तो ये कि आप इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज, फर्स्ट चीज एनालाइज करोगे कि सारी चीजें जो है वो लार्ज माइनस स्मॉल हुई है, मतलब अगर देखोगे M4 - M1 बड़े से छोटा माइनस हुआ है, M4 - M2, M2 - M1, M3 - M2, M4 - M3, तो पूरे फॉर्मूले में बड़ा माइनस छोटा होता है, कभी भी M1 - M2, M1 - M3 नहीं दिखेगा आपको, तो ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि M4 - M1 हुआ है, इसके बाद देखो इस फॉर्मूले के अंदर हमने डाल दिया M2, हमने M2 इंसर्ट किया, तो यहाँ M4 - M2 हो गया और यहाँ M2 - M1 हो गया। अब फिर बचा गया M3, तो हमने यहाँ पर M3 इंसर्ट कर दिया, तो ये M3 - M2, M4 - M3 हो गया। बट पॉइंट ये है, इसको भी अब कैसे याद रखें, तो दूसरा चीज तो हमको समझ में आ गया कि इंसर्ट करते जाना है और फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। थर्ड थिंग हमको कैसे याद करना है, कंपेयर क्या कर रहे हो उस बेसिस पे डिसाइड करो, कंपेयर क्या कर रहे हो, तो यूसेज वेरियंस मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो M4 - M2, ये रहा M4, ये रहा M2, यहां पर अगर आप देखोगे रेट दोनों में सेम है, रेट दोनों में सेम है,
स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी सोचा था कितना क्वांटिटी लग गया, यूसेज वेरिएंस, कितना क्वांटिटी सोचा था कितना क्वांटिटी लग गया, यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में मेरे को प्राइस से फर्क पड़ता है, क्वांटिटी भाड़ में जाए नहीं चाहिए मेरे को क्वांटिटी। तो ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यहां पर क्वांटिटी सेम सेम है, यहां पर क्वांटिटी क्या है सेम है, यहां पर आपको डिफरेंस दिखेगा रेट में, क्योंकि मेरे को प्राइस में, प्राइस में मेरे को डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना है, मेरे को प्राइस का डिफरेंस निकालना है। तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, क्या डिफरेंस आया स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट में, तो ऐसे याद करोगे इसको, आ रही बात समझ में, ऐसे याद रखोगे। ये देखो मिक्स वेरियंस, सोचो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि मिक्सिंग में क्या गलती हुई है वो निकालना है। तो मिक्सिंग में क्या गलती हुई है ये देखो, पहली बात तो रेट से कोई लेना देना है नहीं है, तो देखो रेट सेम है M3 माइनस M2, रेट सेम है, रेट से कोई लेना देना नहीं, मिक्सिंग में क्या गलती हुई है। तो जो मैंने एक्चुअल में क्वांटिटी ली और जो मैंने एक्चुअल में क्वांटिटी ली, बट यहां पर रेशियो सही है, यहां पर रेशियो सही है और यहां पर रेशियो गलत है। तो सही रेशियो माइनस गलत रेशियो, दोनों एक्चुअल क्वांटिटी है बट वो सही रेशियो में है और ये गलत रेशियो में है। तो M3 माइनस M2 और फाइनली M4 माइनस M3। तो M4 माइनस M3 यील्ड वेरिएंस, यील्ड मतलब एक तो आप पहली बात तो रेशियो सही रखो, रेशियो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ सही कंपेयर कर रहे हो सही रेशियो में, सही रेशियो में। क्यों? क्योंकि हमको ये पता लगाना है कि कितना डिफरेंस आपका मटेरियल बाई मटेरियल लगा बिकॉज ऑफ आपने गलत खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, तो यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ये भी ये एक तरीका है और यही सही लॉजिक है फॉर्मूलेस को याद रखने का। प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हो तो क्वांटिटी सेम रखो, प्राइस में डिफरेंस को माइनस करो। तो ये देखो M2 माइनस M1, ये देखो क्वांटिटी सेम थी, एक्चुअल क्वांटिटी, हमने रेट का डिफरेंस लिया यहां पर। ठीक है, यहां पर यूसेज वेरियंस में रेट सेम रखो, जो क्वांटिटी में डिफरेंस है उसको माइनस करो। तो रेट सेम है, ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल रेट यहां पर, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये देखो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी में डिफरेंस निकालो। ठीक है, और फिर उसके बाद मिक्सिंग में, मिक्सिंग में ये है एक्चुअल क्वांटिटी गलत रेशियो में, ये एक्चुअल क्वांटिटी सही रेशियो में, दोनों का डिफरेंस निकालो ताकि मिक्सिंग में क्या गलती हुई वो पता चले। इस सिचुएशन में भी रेट क्या है, कॉन्स्टेंट है, रेट कॉन्स्टेंट है क्योंकि रेट से कोई लेना देना नहीं है। और फाइनली यील्ड वेरियंस में खराब क्वालिटी की वजह से कितना मटेरियल ज्यादा या कम लग गया, तो हम वो जो सही रेशियो में एक्चुअल क्वांटिटी थी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, और रेट बीइंग कांस्टेंट, रेट बीइंग कांस्टेंट। अच्छा तुम लोग सोचो कि भैया जब रेट से कोई लेना देना नहीं तो रेट को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा तेरे को अमाउंट पैसे में निकालना है, क्योंकि अमाउंट तेरे को पैसे में निकालना है, आ रही क्या बात समझ में? हाँ जी, तो मटेरियल यूसेज वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूसेज, अब यहां पर टू इंसर्ट करना है, टू इंसर्ट करना है और यूसेज निकालना है। तो यूसेज मतलब आपको क्वांटिटी को देखना है, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा M4 माइनस M2 और मटेरियल प्राइस वेरिएंस M2 माइनस M1, M2 एक्चुअल रेट, M1 M1 एक्चुअल रेट, M2 स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो M4 कितना है मेरा 50, M2 कितना है 14, और ये हो जाएगा तुम्हारा M2 45 और 36, तो ये हो गया 9। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये दोनों को ऐड करने से ये आ रहा है, तो दैट मींस आपका आंसर सही है। ठीक है, अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में निकालने का कोई पॉइंट बना नहीं, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाल लेते हैं। अच्छा आंसर क्या है, फेवरेबल फेवरेबल फेवरेबल। ठीक है, प्लस पॉजिटिव आ रहा है आंसर, मतलब फेवरेबल ब्रैकेट में लिख देना ना, और नेगेटिव आएगा तो ये लिख देना एडवर्स। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M3 इंसल्ट करना है आपको और मिक्सिंग में गलती चेक करनी, तो M3 माइनस M2 और ये तुम्हारा हो जाएगा M3 माइनस M2 M4 माइनस M3 हो जाएगा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो M4 माइनस M3 5 फेवरेबल और M3 माइनस M2 45 माइनस 45 0। ठीक है, तो यहां पर भी देखो यूज, ये दोनों को प्लस करने से यूसेज वेरिएंस के बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट कैसा रहता है,
फ्लो चार्ट ऐसा रहता है ना, कॉस्ट, यूसेज, प्राइस, मिक्स, यील्ड। तो जो भी कॉस्ट होगा वो ये दोनों के बराबर होगा, जो यूसेज होगा वो ये दोनों के बराबर होगा। तो देखो जैसे कॉस्ट 14 आया तो ये यूसेज आया मेरा 5 और प्राइस आया मेरा 9 और फिर ये मिक्स आया मेरा 0, यील्ड आया मेरा 5। तो देखो ये ऐसे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग है ऐसा, ठीक है। तुम लोगों का एक डाउट जो आया होगा दिमाग में वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तुमको गॉडलीनेस फील कराना है मेरे को, तो इसलिए मैं इतना जूझ रहा हूँ इसमें, ठीक है। नहीं तो मैं तो रेगुलर लेक्चर में भाई साहब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो अपन बहुत समझते हैं उस पर। चलो तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार तुम लोगों के फॉर्मूलाज के कंफ्यूजन। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, ओवरऑल पूरे पूरे मटेरियल के कॉस्ट में क्या डिफरेंस आया। तो बहुत ईजी है, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, यही करोगे, सॉरी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो ऐसे निकलेगा तुम्हारा कॉस्ट वेरियंस, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा कॉस्ट वेरियंस। मटेरियल यूसेज वेरियंस, अब सब चीज मेरे को रुपीज में चाहिए होती है ना, रुपीज में। तो जैसे तुम लोग बोलोगे भैया यूसेज, यूसेज मतलब होता है इतना क्वांटिटी यूज करना था पर इतना क्वांटिटी यूज कर लिया, ये होता है ना यूसेज का मतलब, इतना क्वांटिटी यूज करना था इतना यूज कर लिया, इतना मैंने यूज किया। आ रही बात समझ में, यस जी। तो यहां पर होता है M4 माइनस M2। M4 में देखोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, M2 में देखोगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल में माइनस क्या हुआ, माइनस तो यही हुआ ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मैं कंपेयर किया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में इतना सोचा था और एक्चुअल मेरा इतना लग गया, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया। बट ये कुछ तो भी मेरे को रुपीज में चाहिए। अब क्या रुपीज यहाँ फॉर्म फैक्टर है, नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट लेते हैं क्योंकि हमको आंसर रुपीज में चाहिए। पर रुपीज इज मतलब रेट इज नॉट द फॉर्म फैक्टर हियर, रेट इज गोइंग टू बी द फॉर्म फैक्टर इन मटेरियल प्राइस वेरियंस। मटेरियल प्राइस वेरियंस, तो प्राइस में मेरे को स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में क्या डिफरेंस है वो निकालना है। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बट अब यहां पर भी मेरे को आंसर ओवरऑल कॉस्ट चाहिए। तो ओवरऑल कॉस्ट के लिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी। तो बच्चों को डाउट होता है भैया एक्चुअल क्वांटिटी क्यों कर रहे हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी करो ना मल्टीप्लाई। तो मैं उससे पूछा, ओ मेरे बेटे ये बताओ मेरे को, ये जो तुम्हारे प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है या कम पे किया है, मुझे नहीं पता, हो सकता है 10 से ज्यादा लग गया हो, 10 रुपए स्टैंडर्ड था, 12 लग गया हो सकता है, 8 भी लग गया हो। तो ये जो तेरे को प्रॉफिट या लॉस 2 रुपए का हुआ है, वो तेरे को एक्चुअल क्वांटिटी में हुआ होगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हुआ होगा, तू बता। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में तेरे को हुआ होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेस करके आया उसी में हुआ होगा ना, परचेज में लॉस या परचेज में प्रॉफिट हुआ होगा ना तेरे को, तो इसीलिए एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। क्योंकि ये जो खर्चे में या तो बचत या तो एक्स्ट्रा खर्चा जो हुआ वो एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर हुआ। तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो यूसेज में हम यूसेज का ही डिफरेंस निकालते हैं और प्राइस में हम प्राइस का ही डिफरेंस निकालते हैं, बस क्योंकि हमको आंसर ओवरऑल कॉस्ट के बेसिस पे चाहिए होता है तो हमको उसको बाय डिफॉल्ट रेट या क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। आ रही है बात समझ में। वैसे फिर तुम्हारा मटेरियल मिक्स वेरियंस, तो इसमें मिक्सिंग में गलती है, तो जो भी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी होगी इस पे माइनस करते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी, बोलो हाँ। तो तुम्हारी जो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है उसमें एक्चुअल क्वांटिटी M3 माइनस M2 करते हैं और मल्टीप्लाई किससे होता है, स्टैंडर्ड रेट से, क्योंकि तो इसका बेटा है ना, तो इसका बेटा है तो स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसका दूसरा बेटा है यील्ड वेरियंस, इसका दूसरा बेटा यील्ड वेरियंस, तो मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड रेट से होगा। अंदर की बात क्या होगी, अंदर की बात होगी बेटा स्टैंडर्ड, जो भी मेरा स्टैंडर्ड वो था क्वांटिटी था माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरे को यील्ड में मतलब जो तुम्हारी प्रोडक्ट की खराब रॉ मटेरियल इन्वेस्ट करने के वजह से जो एक्स्ट्रा चपत हमको झेलनी पड़ी वो हम बताते हैं यहां पर। तो हम यहां पर जो भी मेरा स्टैंडर्ड जो मैंने सोचा था कि हाँ भाई मेरा स्टैंडर्ड इतना इतना होगा और जो मेरा एक्चुअल में क्वांटिटी हुआ लेकिन सही रेशियो में, क्यों सही रेशियो में, क्योंकि अगर यहाँ गलत रेशियो ले लोगे, समझ रहे हो, अगर यहाँ पर गलती से तुमने गलत रेशियो में ले लिया आइटम्स को, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ले ली डायरेक्टली, उसका रेशियो सही नहीं किए है ना,
तो यहां पर दो चीज का इफेक्ट दिखने लग जाएगा, मिक्स का भी इफेक्ट दिखने लग जाएगा, यील्ड का भी इफेक्ट दिखने लग जाएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग इसका रेशियो सही करते हैं, रेशियो सही करने के बाद स्टैंडर्ड का रेशियो सही है ऑलरेडी क्योंकि वही तो स्टैंडर्ड है, और अब एक्चुअल क्वांटिटी का भी रेशियो सही हो गया, तो हमको अब एक्चुअल में पता चल पाएगा कि रेशियो तो सही है, तो कितना आपने शक्कर कम या ज्यादा डाला, कितना आपने मिल्क कम या ज्यादा डाला, कितना आपने चाय पत्ती कम या ज्यादा डाला, कितना आपने वो तुम्हारा तुलसी कम या ज्यादा डाला, कितना आपने अदरक कम या ज्यादा डाला, क्योंकि अब रेशियो सही है तो अब ये पता चलेगा कि कम या ज्यादा कितना डाला आपने। आ रही बात समझ में? यस। तो रेशियो सही करने का पर्पस ये है ताकि यहाँ पर दो दो चीज का इफेक्ट ना दिखे। तो इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम लोगों को, अब मेरा फोकस रहेगा क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, ठीक है? हाँ जी भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। हाँ पहले बच्चे बोल रहे हैं भैया नोट करने दो, लो जी कर लो। हो गया बच्चों? हाँ भैया, चलो क्वेश्चन नंबर टू। एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निश कर रही है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड देके रखा है आपको मटेरियल 70 किलो, फिनिश गुड्स फिनिश प्रोडक्ट के लिए 100 किलो, मतलब 70 केजी आउटपुट के लिए आपको 100 किलो डालना पड़ेगा, ये आपका स्टैंडर्ड है। तो एक किलो के लिए कितना हो जाएगा फिर? 100 किलो 70 किलो के लिए डालना पड़ेगा, तो एक किलो का कितना आ जाएगा? 70 डिवाइडेड बाय 70 1.4243 लिख लो इसको केजी, मतलब अगर आप 1.43 केजी मशीन में डालते हो तो एक किलो बन के बाहर आता है, समझ रहे हो? 100 किलो डालते हो तो 70 किलो बन के बाहर निकल रहा है, 100 किलो डाल रहे हो तो 70 किलो बन के बाहर निकल रहा है, तो एक किलो के लिए कितना? बचपन में सीखते थे ना, अगर एक दर्जन बनाना 20 रुपए का आता है तो एक बनाना कितने का, बस वही कहानी है यहाँ पर। प्राइस ऑफ मटेरियल 1 रुपया पर किलो है स्टैंडर्ड। एक्चुअल में बात करूं तो आउटपुट निकला है 210,000 किलो का, ये आउटपुट है ना। मटेरियल यूज हुआ है 280,000 किलो का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी दे दिया 2,52,000। ओवरऑल कॉस्ट भी बता दिया है कि इतना कॉस्ट मेरे को एक्चुअल में लगा। बोल रहा है मटेरियल यूसेज वेरियंस, प्राइस वेरियंस और कॉस्ट वेरियंस निकाल के बताओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। M4 - M1 मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस। तो मटेरियल यूसेज वेरियंस, यूसेज यूज करेंगे, ठीक है? क्या इंसर्ट करेंगे? M2 इंसर्ट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा प्राइस में M2 - M1 क्योंकि दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी रहती है, और ये हो जाएगा M4 - M2 क्योंकि M4 में रहती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, M2 में रहती है तुम्हारी एक्चुअल क्वांटिटी, और रेट दोनों में स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का रहता है, ठीक है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का रहता है। ओके भैया, चलो डन है। हाँ जी भैया डन है। तो अब इसके बाद निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले M1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है? तो इससे मेरा निकल जाएगा M1। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुम्हारी क्या है? अच्छा बच्चों एक चीज मेरे को बताना बस तुम लोग। हाँ जी भैया बताओ। एक मिनट यार, मैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस बोल रहा हूँ, वही तो मैं सोचूं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, सॉरी बच्चों सॉरी। M1 होता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, क्या मेरे को क्वेश्चन डायरेक्टली परोस के दे दिया है? भाई एक्चुअल कॉस्ट ले लो डायरेक्ट, ले ले जा रख ले। क्या एक्चुअल क्वांटिटी क्या एक्चुअल रेट? ला एक्चुअल कॉस्ट ही दे दिया मेरे को 2,52,000। M2 निकालूंगा, M2 कैसे निकालता है? क्वांटिटी एक्चुअल, रेट धीरे से पलट के स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा? 280,000 किलो मटेरियल यूज, 280,000 किलो, और रेट क्या है? 1 रुपए। 280,000 इंटू 1 रुपए लगा। आ रही बात समझ में? हाँ जी भैया 280,000
M3 की बात ही नहीं करनी है, M3 की बात करनी है, नहीं करनी है, M4 की बात करनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये स्टैंडर्ड रेट तो पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 210,000 किलो का, तो फटाफट से बताओ 210,000 किलो के लिए कितना मटेरियल लगना था। तो भाई साहब 1 किलो के लिए इतना लग रहा है, 1 किलो के लिए कितना लग रहा है, इतना 1.43, तो 210,000 किलो के लिए कितना लगेगा बताओ। 1 किलो के लिए अगर इतना लग रहा है तो 210,000 किलो के लिए कितना मटेरियल लगेगा इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है, 1 रुपए, 1 रुपए। आ रही बात समझ में, ऐसे इसको करना है बेटा सॉल्व, ठीक है। कि इफ 100 केजी रिक्वायर्ड फॉर 70 केजी तो व्हाट इज गोइंग टू बी द अमाउंट फॉर 210,000 केजी। तो मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग को ये तो समझ में आ ही गया होगा, बचपन की बात है ये, बचपन की बात। बचपन में पूछती थी ना मैम कि अगर एक दर्जन बनाना, 12 बनाना 20 रुपीज की है, तो वन बनाना कितने का, तो तुम क्या करते थे 20 रुपीज डिवाइडेड बाय 12 कर देते थे। तो तुम बोलते थे मैम एक बनाना 1.67 रुपीज का है। तो वैसे ही यहां पर अगर 100 किलो लग रहा है, 70 किलो आउटपुट बाहर निकालने के लिए, 100 किलो लोहा डाले, 70 किलो लोहा बाहर निकला, बाकी सब इवापोरेट हो गया। तो बेसिकली 1.43 केजी रिक्वायर्ड फॉर 1 केजी ऑफ आउटपुट। तो वैसे ही मैं पूछना चाह रहा हूं यहां पर कि 210,000 किलो के लिए कितना, तो 1 किलो के लिए अगर इतना है, दिस इज फॉर 1 केजी आउटपुट। तो 1 केजी आउटपुट को अगर मैं 210,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 210,000 के लिए कितना किलो चाहिए वो लग जाएगा, और इनटू 1 स्टैंडर्ड रेट। तो ये हो जाएगा 210,000 डिवाइडेड बाय 70 इनटू 100 इनटू 1, तो ये आ रहा है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए बेसिकली मेरा M4 आ गया। तो फटाफट से M4 3 लाख माइनस 2,52,000, ये आ रहा है बेटा 48,000। M4 3 लाख माइनस 2,80,000, 20,000। और M2 2,80,000 माइनस 2,52,000, 28,000। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, क्लियर है सबको, ऐसे निकालना है बेटा, बस बस बेटा फॉर्मूले का खेल है। और मैं जितना कोशिश कर सकता था तुम लोगों को फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फीड करने के, बेटा ट्रिक है ये, ट्रिक। टेबल तुमको चाहिए, तुम टेबल से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। M1, M2, M3, M4, M3 गैप कर देना, M4 बना लो, और बस इतना याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 210,000 मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कितना लगेगा। 210,000 मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कितना लगेगा, ये था मुद्दा, ठीक है। इस मुद्दे पर चर्चा करो। चलो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोस, 40% मटेरियल ए 20 रुपए पर किलो। अब आ गया बेटा डो मटेरियल वाला क्वेश्चन, अब बनेगा मिक्स वेरिएंस का क्वेश्चन। 60% ऑफ मटेरियल भी 30 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो मैं अगर एक यूनिट निकालता हूं, एक यूनिट बाहर निकालता हूं, उसके अंदर 40% ए होता है, 60% बी होता है, क्लियर। हाँ जी, स्टैंडर्ड लॉस है 10% ऑफ इनपुट का प्रोडक्शन में, मतलब बेसिकली जितना भी इनपुट डालोगे उसका 10% लॉस हो जाएगा। तो 100 डालोगे तो 90 बाहर आएगा, ठीक है, 100 किलो डालोगे तो 90 बाहर आएगा, 10% बूम बाम हो जाएगा। बोल रहा है द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड शो द फॉलोइंग यूसेज, 90 किलो मटेरियल है, ये इनपुट की बात किया ना, तुम लोग इस पे माइनस करने मत बैठ जाना 10-10%। एक मिनट रुको ना, हाँ जी, तो ये इनपुट्स देके रखा है, इनपुट्स में पता चला बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत तेज जसवी बालक है हमारे पास, 90 में 10% माइनस करके 81 कर देते हैं। अरे मैं बोला बेटा इनपुट है ये, तुम्हारे आउटपुट की बात कर रहा है, इनपुट डालेगा 90 डालेगा तो 81 बाहर आएगा, तो इसको 81 ना कर दियो। आ रही बात समझ में, 18 रुपए पर किलो के हिसाब से, 110 बी लगा, 34 पर किलो के हिसाब से क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। हाँ जी, ये है आउटपुट, ये है क्या तुम्हारा आउटपुट। तो ये जो बाहर आया है ये 10% लॉस के बाद बाहर आया है, इसका मतलब अब देखो, अब इसको तुम लोग ऐसे समझो,
ये जो आउटपुट बाहर निकला है 10% लॉस के बाद बाहर निकला है, ठीक है, आफ्टर 10%। तो मेरे को बताओ 100% कुछ एक्स था, इसमें से 10 माइनस हुआ तो 90 जो बाहर निकला वो 182 है, 90 जो बाहर निकला वो 182 है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस एक्स अमाउंट, ये एक्स अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे समझो इसको, 100 अपॉन 90 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 182। तो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस एक्स अमाउंट, मतलब कितना इनपुट गया होगा 10% लॉस के बाद 182 मेरे हाथ में आया, आउटपुट बोल के रखा है 182, तो ये मेरा 10% लॉस के बाद का मसाला है। तो कुछ होशियार बच्चे होंगे क्लास में, वो मैं जानता हूं तुम लोग बोल रहे होगे भैया दैट मींस 182 रिप्रेजेंट कर रहा है 90% अमाउंट को, राइट, 10% तो गया तो 90% अमाउंट जो है वो 182 है। तो भैया सीधा 182 डिवाइडेड बाय 90% कर देते हैं तो 100% मिल जाएगा 202.22, ठीक है। हाँ, और जो बच्चों को नहीं समझ में आई ये चीज, उनके लिए ये वाला मेथड, ये है बेटा बेबी मेथड, बेबी फिटिंग बोलते हैं इसको। सही में तुम्हारे इंटरमीडिएट लेवल पे तुमको ये बात पता होनी चाहिए जो मैं अभी बोला 90% वाली, बट स्टिल अगर तुमको नहीं पता है तो प्रोविजनल बेसिस पे मैं तुमको ये भी बता रहा हूं। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो 182 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 कर दो, 202.22 आ जाएगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर मैं 202.22 इनपुट डालूंगा तो 10% लॉस के बाद 182 बाहर निकलेगा। ये भी करके देख लो, -10%, ये देखो 182 बाहर निकला, 182 बाहर निकला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, आगे काम आएगी, बताऊंगा कब काम आएगी, पर आएगी काम। चलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, लिखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, और इसको मैं प्रॉपर टेबल बना के प्यार से करवा रहा हूं तुम लोगों को। M1, M2, M3, M4 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, बार बार याद दिलाऊंगा बेटा, बार बार, भैया हो गया है मेरे को याद, मैं फिर भी दिलाऊंगा, जबरदस्ती दिलाऊंगा। मेरी क्लास में हो तो 10 बार एक ही चीज को सुनने की आदत डाल लो। ओके भैया, चलो हमने आदत डाल ली। चलो भाई, एक्चुअल क्वांटिटी 90 किलो, एक्चुअल रेट 18, 110 और 34, टोटल बता दो इसका सीधा, 90 इंटू 18 मेमोरी प्लस 110 इंटू 34 मेमोरी प्लस MRC, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है भाई साहब, 20 रुपए प्रति किलो, 30 रुपए प्रति किलो, टोटल 90 इंटू 20 रुपए, 110 इंटू 30 रुपए, MRC 5100, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। अब रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है, तो पहले तो एक्चुअल क्वांटिटी बताओ कितनी है। एक्चुअल क्वांटिटी है भैया 90 प्लस 110 यानी कि 200, इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, इन स्टैंडर्ड रेशियो, ये बन जाएगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, 40% ए होना चाहिए, 60% बी होना चाहिए, 40% ए होना चाहिए, 60% बी होना चाहिए, यानी कि 2:3, दिस इज द रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, 2:3। तो बस 200 को 2:3 में बांट दो, 200 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हमने 2:3 में बांट दिया, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 20 मेमोरी प्लस 120 इंटू 30 मेमोरी प्लस MRC, ये हो गया 5200, क्लियर है। ये ऐसे होता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, RAQ का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। तो जो भी एक्चुअल क्वांटिटी है उसको प्लस करो और स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो बताओ जी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 182 kg, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ जी। अब इसका इनपुट हमने निकाल लिया ऑलरेडी, हमने इसका इनपुट ऑलरेडी निकाल लिया, यस, 202.22 kg। तो ये इतना इनपुट में बाहर डाला, तो दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आई बात समझ में,
तो अब यहां पर लिखो 202.22 को वही रेशियो में बांट दो, कितना 40 और 60%, तो 40% ए बिलोंग करेगा 80.88 और 60% बी बिलोंग करेगा 121.33। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इसके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 30 टोटल निकाल लो, 80.88 इंटू 20 मेमोरी प्लस 121.33 इंटू 30 मेमोरी प्लस MRC, तो ये आ रहा है 5258, राउंड ऑफ कर रहा हूँ ना, 57.66 आ रहा है, तो 5258 आ गया। क्लियर है सबको? तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो देखो मैं फिर से बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा भैया प्लीज, बस हो गया, नहीं नहीं एक बार और। एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन ही बोलूंगा मैं इसको, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, जिसको समझना है ब्रैकेट में आपके लिए आउटपुट भी लिख देता हूँ, 182 है। ठीक है, बट ये 10% माइनस करने के बाद है ना, तो दैट मीन्स ये 90% को बिलोंग कर रहा है। तो इनपुट्स कितना होगा, इनपुट्स होगा 182 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100, 202.22। तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसी को दो टुकड़े में बांटे, ए और बी में। ठीक है, यहां पर लो जी, तो अब इसको नोट डाउन कर लो सब। तो ये आ गया मेरा M1, M2, M3, M4, बस स्टैंड बेटा पूरे पूरे मटेरियल वेरिएंस में बस एक ही चीज सीखने वाली है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी भी कितना इजी है कि बस एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो चेंज कर देना है, टोटल निकाल के उसका रेशियो चेंज कर देना है। चलो जी, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस M4 माइनस M1, अब M2 इंसर्ट होगा यहां पर, और M2 जैसे इंसर्ट होगा, अब याद रखना है कौन सा M4 माइनस M2 होगा और कौन सा M2 माइनस M1 होगा। कैसे? जिस पर क्वांटिटी का डिफरेंस निकालना है, तो M4 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और M2 में क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो M4 माइनस M2 क्योंकि ये क्वांटिटी का डिफरेंस देगा, और यहां पर M2 माइनस M1 देख लेना ना, समझ जाना, बहुत छोटा सा लिखा हूं, M2 माइनस M1, 2 इंसर्ट किया तो ये देखो 4 इधर आ गया, M1 उधर चला गया। ठीक है, अब यहां पर 3 इंसर्ट करना है, मिक्स वेरिएंस M4 माइनस M3, M3 माइनस M2। क्लियर है सबको? एक सेकेंड बच्चों, उल्टा लिख दिया क्या मैं? हाँ जी भैया, आप उल्टा लिख दियो, कैसे कर रहे हो? मिक्सिंग में क्या है, M3 माइनस M2, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हो जाएगा M4 माइनस M3। ऐसे आपको फॉर्मूलेस को याद रखना है। अब बस वैल्यूज डालनी है, खत्म हो गया क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक सिखा दिया, टेबल याद करने का ट्रिक सिखा दिया, अब सारे पॉइंट सिखा दिया जो भी हॉट पॉइंट्स थे, बस ना बेटा। इसके बाद क्या है चैप्टर में? कुछ नहीं, इसके बाद मजे हैं, इसके बाद क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन में आते हैं मजे। चलो भाई, M4 5258 5360, एडवर्स नेगेटिव आ रहा है, M4 माइनस M2 5258 5100। फेवरेबल प्राइस वेरिएंस M2 माइनस M1 5100 5360। एडवर्स, ठीक है। इसके बाद मिक्स वेरिएंस M3 माइनस M2
5200 5100 सो फेवरेबल। M4 माइनस M3 5258 5200 58 फेवरेबल। चलो जी हो गया, हाँ हो गया, तो नोट कर लो। मजेदार क्वेश्चन बेटा, मजेदार। ये एक ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जाम में डेफिनेटली अपने स्थान बना सकता है। अच्छे से देखो इसको और प्यार से नोट कर लो। और सबसे जरूरी पॉइंट, अगेन बार बार बोलूंगा, हजार बार बोलूंगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है? हाँ जी ठीक है बच्चों। यस भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन दो मटेरियल्स के ऊपर दिख रहा है हमको, ए और बी, जिसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 20 रुपए 30 रुपए पर केजी है। मिक्स हुआ है स्टैंडर्ड रेशियो में 60:40 के टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट जेड। ओके, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक 1200 किलो ऑफ ए जिसका कॉस्ट 25,000 है और 1000 किलो ऑफ बी जिसका कॉस्ट 28,000 है मिक्स हुआ ताकि हम 2200 किलो ऑफ जेड बना सके। तो सारे मटेरियल वेरियंसेस निकाल के बताओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, M1 M2 M3 M4, रॉ मटेरियल ए रॉ मटेरियल बी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है? हाँ जी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, क्वेश्चन डायरेक्टली देके रखा है 25,000 और 28,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 25,000 और यहाँ हम लिख देंगे 28,000 और दोनों का टोटल कर देंगे। फिर एक्चुअल क्वांटिटी 1200 और 1000 और स्टैंडर्ड रेट 20 और 30। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी टोटल मिला के 2200 है, 2200 को बांट देना 60:40 के रेशियो में, 2200 × 60% × 40%। और फाइनली स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 2200 ऑफ जेड, देखो लिखा हुआ है यहां पर 2200 ऑफ जेड। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है, तो ये तुम्हारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, ठीक है? अब इसके लिए जो मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, तो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड का बेंचमार्क क्वेश्चन में देके नहीं रखा है, क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड का बेंचमार्क नहीं देखे। तो मैं मान लेता हूं कि 1 किलो लगता है 1 किलो बनाने के लिए, और मेरे को क्वेश्चन से भी वही दिख रहा है। ये देखो 1200 किलो और 1000 किलो डाला तो 2200 किलो बन के बाहर आया। तो अब यही एज्यूम करना पड़ेगा कि 1 kg रखता है 1 kg प्रोडक्शन के लिए, तो उस हिसाब से 2200 kg लगा है, तो 2200 kg का ही इनपुट लगेगा इतने प्रोडक्शन की। अगर 2200 kg बन के बाहर निकला है, तो अब ये अज्यूम कर लेते हैं कि 2200 kg ही इनपुट लगेगा। अब इसी को 60:40 में बांट दो, सेम ही आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ जी भैया, देखो जी अब सबको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है हमको। हाँ चलो सब ठीक है, 25,000 + 28,000 1200 × 20 memory + 1000 × 30 memory + 1320 × 20 memory + 880 × 30 memory + MRC। चलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M4 - M1 डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मटेरियल यूसेज वेरियंस मटेरियल प्राइस, इंसर्टिंग M2 हियर। तो M2 डालेंगे, तो M2 किधर किधर डालना है, इधर डालना है M4 - M2, यूसेज बताना है, यूसेज बताना है। तो M4 में रहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, M2 में रहता है एक्चुअल क्वांटिटी, तो इससे निकलेगा यूसेज,
1200 एडवर्स, ठीक है, माइनस में आ रहा आंसर मतलब एडवर्स, और ये हो जाएगा m2 माइनस m1, 1000 फेवरेबल। वैसे तुम लोग देखोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 200 एडवर्स है, मतलब 200 माइनस में, और इधर यूसेज 1200 माइनस में, उधर प्राइस 1000 प्लस में, तो नेट ऑफ करके वो 200 आ रहा है, तो वो तो हमेशा तुम लोग क्रॉस चेक कर ही लेना डिफॉल्ट केस में, ठीक है। चलो मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में अब यहां पर m3 इंसर्ट होगा धीरे से, m3 माइनस m2 करना है मिक्सिंग के लिए, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, m3 माइनस m2, और ऑफ कोर्स फिर इसके लिए m4 माइनस m3 हो जाएगा, तो m3 कितना है 52800, 54000, और m4 कितना है 52800, 52800, तो ये तो जीरो हो गया, 52800 माइनस 54000, 1200 नेगेटिव एडवर्स, तो अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो यूसेज वेरिएंस भी 1200 एडवर्स है, तो ये भी 1200, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर कंप्लीट। लो जी, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था, बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बार बार बोलूंगा उसी पे ध्यान देना है। तो 2200 मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन था, इसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या लगेगी, सेम ही लगेगी, एक किलो प्रोडक्शन के लिए एक किलो लग रहा है, तो वही स्टैंडर्ड है मेरा, ठीक है। तो उसको मैंने 60:40 में बायफॉरगेट कर लिया और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो इसको फटाक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बच्चे सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे हैं भैया हम, कि भैया कितना कराओगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व कराओगे, बेटा इतने क्वेश्चन करा दूंगा, कितने क्वेश्चन करा दूंगा, किसी ने सोची ना होगी, ठीक है भैया एक सेकंड रुकना, ओके चलो बढ़े आगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फॉर मेकिंग 10 किलो ऑफ केमको सीईएमसीओ केमको स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट ए और बी की देके रखी, 8 किलो 4 किलो 6 और 4 रुपए के रेट से, बोल रहा है 1000 किलो ऑफ केमको प्रोड्यूस हुआ, ये है एक्चुअल प्रोडक्शन, इसी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल इज एज अंडर, ए और बी 750, 500, 7 और 5 रुपए के भाव से, बोल रहा है कॉस्ट वेरियंस, प्राइस वेरियंस, यूसेज वेरियंस निकालो, तो बस ये तीन चीज निकालना है, मतलब बेसिकली मेरे को M4, M1, M2 और M4 निकालना है, ठीक है ओके, M1, M2 और M4 निकालना है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, ए और बी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 750, 500, एक्चुअल रेट कितना है 7 और 5, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 750, 500, स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 और 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की हुई 1000 किलो की हुई, 1000 किलो की हुई, और 10 किलो के लिए अगर इतना लगता है तो 1000 किलो के लिए कितना, तो अगर 8 किलो लगता है 10 किलो के लिए तो 1000 के लिए कितना, अगर 4 किलो लगता है 10 किलो के लिए तो 1000 के लिए कितना, ऐसे निकालेंगे, बोलो हाँ, 8 किलो लगता है, सॉरी 8 किलो लगता है 10 किलो बनाने के लिए, तो 1000 किलो बनाने के लिए कितना, ऐसा, तो बेसिकली 8 किलो लगता है 10 किलो बनाने के लिए, तो 1 किलो बनाने के लिए कितना, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, 1 किलो बनाने के लिए बेटा 0.8 लगेगा, तो 0.8 kg लगेगा 1 किलो प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, 1 किलो प्रोडक्शन के लिए 0.8 लगेगा, 1000 किलो प्रोडक्शन के लिए कितना लगेगा, 1000 के लिए लग जाएगा फिर भैया कुछ 800 किलो जो भी है, इनटू स्टैंडर्ड रेट 6 और 4, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, 8 किलो लगता है 10 किलो के प्रोडक्शन के लिए, 4 किलो लगता है 10 किलो की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है,
तो 1000 किलो के प्रोडक्शन के लिए कितना कितना, हाउ मच फॉर 1000 किलो? तुम लोग बच्चे तो नहीं हो, इंटर के बच्चे हो, तुमसे पूछ सकते हो क्वेश्चन कि 8 किलो एंड 4 किलो इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए और बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 kg, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ विच वी आर गोइंग टू रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg? आर वी क्लियर विद दिस? यस। अब पूछना क्या बेटा, मैं तो खुद ही बता दे रहा हूँ। अरे हाँ भैया, आप तो सब बता रहे हो, वाह भैया वाह। 7750 6500 6400 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M4 - M1, मटेरियल यूसेज वेरिएंस M4 - M2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस M2 - M1।1350 एडवर्स, 100 एडवर्स, 1250 एडवर्स। क्लियर है बच्चों? चलो इसको नोट करो फटाक से, फटाक फटाक से नोट तुम कर लो, क्वेश्चन ना छूट जाए। सबसे जरूरी पार्ट अगेन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तुम लोग बोल रहे हो कि भैया अब तो हमारे दिमाग में ऐसे बैठ गया है जैसे पूछो मत, आप इतने बार बोल दे रहे हो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन में ध्यान देना। यस, कि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, उसके बेसिस पे, ठीक है? हाँ जी। बच्चे मन के सच्चे, ये हैं आंखों के तारे। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो कॉन्सेप्ट है कि तुम लोगों को यहां पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक, ओ माई गॉड, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज दे के रखा है। तो जैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग परचेज दिखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग मटेरियल यूसेज वेरियंस निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस निकालते हैं, मटेरियल यील्ड प्राइस, ये सब वेरियंस निकालते हैं, तो हम लोग ये किस बेसिस पे निकालते हैं? हम जितना मटेरियल परचेज करके लाते हैं उस बेसिस पे निकालते हैं, या जितना मटेरियल हम कंज्यूम कर जाते हैं इस साल प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं उस पर निकालते हैं? तो ऑफकोर्स हम लोग किस पे निकालते हैं? कंजम्पशन में निकालते हैं। पर फिर भी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को जो प्राइस है, प्राइस वो हो सकता है परचेज का प्राइस हमने कुछ और सोचा हो पर हमको कुछ और मिला हो, ठीक है? तो एक चीज बस हम लोगों को परचेज के लिए निकालनी पड़ेगी, बाकी सब कंजम्पशन के लिए निकालेंगे। पूरा हर चीज पहले जैसे करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे ये देखो वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, बस एक चीज एडिशनली और करेंगे कि एक प्राइस के लिए अपन परचेज के बेसिस पे अलग से निकाल लेंगे। मतलब प्राइस के लिए हम लोग परचेज के बेसिस पे भी एक बार निकालेंगे और एक बार यूसेज के बेसिस पे भी निकालेंगे, दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है? तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा बहुत कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिख लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है? तो लिखो यहां पर नोट, व्हेन द क्वेश्चन प्रोवाइड्स द डेटा फॉर ओपनिंग स्टॉक परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो इस पे कुछ कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। वैल्यू ओपनिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रेट इफ क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहला पॉइंटर क्या है कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग स्टैंडर्ड रेट के बेसिस पे करेंगे। अगर क्वेश्चन ने वैल्यू नहीं दी तो ठीक है, अगर क्वेश्चन बोला भाई 400 किलो है ओपनिंग स्टॉक, रेट ही नहीं बताया, तो किस पे वैल्यू करूंगा? स्टैंडर्ड रेट पे कर लेना, ठीक है? वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ परचेजेस बिकॉज वी एज्यूम्ड फीफो बेसिस। तो हमने फीफो बेसिस एज्यूम करके चलना है,
ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो हम ये अज्यूम करते हुए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एक्चुअल रेट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में परचेस का, उस पर वैल्यू कर देंगे उसको, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को। दोनों चीज समझ में आ गई? यस, वी आर गोइंग टू फाइंड एडिशनल वेरियंसेस फॉर परचेजेस। तो परचेज के लिए हम लोग एडिशनल वेरियंसेस को फाइंड आउट करेंगे, और वो एडिशनल वेरियंसेस क्या होगा? प्राइस वेरियंस। तो यहां लिखते हैं मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस। प्राइस वेरियंस कैसे निकलता है? तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बेसिकली एम टू माइनस एम वन, है ना, एम टू माइनस एम वन। तो ये हम लोगों को एडिशनली निकालना पड़ेगा। आ रही क्या बात समझ में? यस yes, क्योंकि मैं बोला कि क्योंकि हम लोग परचेस करके ला रहे हैं, तो परचेस में कुछ ना कुछ वेरियंस आया होगा प्राइस में शायद, तो वो हम लोग एडिशनली निकालेंगे। इसके अलावा जो भी चीज हम लोग पांचों चीज एज इट इज निकालते थे, वो हम निकालेंगे निकालेंगे। आ रही बात समझ में? यस, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, उस पर कोई बात नहीं है, ठीक है। टू फाइंड आउट कंजम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन वी शैल यूज द बिलो फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक एट स्टैंडर्ड रेट। ये मैं तुम लोग को M1 के टाइम पे बताऊंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, और कुछ पॉइंटर मेरे को याद आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको तो नोट करो पहले, ठीक है। चलो अब सिक्स वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ साथ में तुम लोगों में सारी बातें समझा लूंगा। तो रेफरेंस के लिए, इस वाले कॉन्सेप्ट के रेफरेंस के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स दे देना तुम लोग, ठीक है, अपनी फास्ट ट्रैक शीट का। तो विनायक लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहा है इन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। तो मटेरियल देखो ए और बी दे के रखा है, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी दे के रखा है, स्टैंडर्ड लॉस प्रोसेसिंग पे 15% हमने मान के चला है कि 15% लॉस हो जाएगा। ड्यूरिंग अप्रैल 1980 द कंपनी प्रोड्यूस 1700 किलो ऑफ फिनिश आउटपुट। अब ये 1700 किलो आउटपुट है, आउटपुट, तो इनपुट कितना होगा? तो भाई साहब 15% तो लॉस हो जाता है, इसका मतलब ये जो आउटपुट है वो 85% को बिलोंग कर रहा है। तो 1700 को डिवाइड करो 85% से, 2000 आएगा, डिवाइडेड बाय 85%। यस, 2000 किलो में डालता हूँ इनपुट, 2000 किलो इनपुट डालता हूँ तब जाके मेरा 1700 किलो बाहर आता है। बोल रहा है पोजीशन स्टॉक एंड परचेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1980 इज एज फॉलोस, मटेरियल ए बी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस देख रखा है किलो में, और कॉस्ट भी बता दी है क्वेश्चन ने साथ के साथ। बोल रहा है कैलकुलेट करो द फॉलोइंग वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल इड, मटेरियल मिक्स, मटेरियल टोटल, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। इसके एडिशनली हम लोग दो और निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरियंस हम लोग परचेस के बेसिस पे भी निकालेंगे, और यूसेज में तो हम ये पांचों निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है, कंजम्पशन के बेसिस पे। तो चलो पहले प्राइस वाला निपटा लेते हैं। लिखो सॉल्यूशन नंबर थ्री, सॉरी सॉल्यूशन नंबर सिक्स ना, यस सॉल्यूशन नंबर सिक्स। और पूरा पूरा हम लोग किस पे कैलकुलेट करने वाले हैं अभी? प्राइस पे। तो पहले प्राइस पे निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस। तो परचेजेस के लिए क्या करना है मेरे को? जो भी मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ऐसे ही करना है क्या? हाँ, तो देखो स्टैंडर्ड रेट्स 4 रुपए 3 रुपए, एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट तो दिया नहीं है डायरेक्टली, कॉस्ट दे दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, तो इससे बातें आसान हो जाएगी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी? 800 1200, और स्टैंडर्ड रेट 4 3,
माइनस ये डायरेक्टली ले लेता हूँ 3400 और 3000, डायरेक्ट अमाउंट ही ले लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट का अमाउंट ही दे के रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6400, और ये हो जाएगा 800 इंटू 4 मेमोरी प्लस 1200 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC 6800, दोनों को माइनस कर दो तो 400 फेवरेबल आ गया। लो तो ये सबसे इजी काम है तुम्हारा, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एक तुमको निकाल ही देना है। अब इसके बाद पूरा क्वेश्चन फ्लूइड नॉर्मल जैसे करते थे सॉल्व वैसे ही सॉल्व कर, ठीक है? थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस ध्यान में रखनी वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, पहले इसको नोट करो। हो गया? हाँ। अब M1, M2, M3, M4 निकाल, चार चीज हम लोगों को निकालनी है, ध्यान कहां पर देना है वो मैं तुम लोगों को केयरफुल होके बताऊंगा धीरे धीरे प्यार प्यार से। M1, तो M1 कैसे निकलता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी है इंटू एक्चुअल रेट, ऐसे निकलता है। बट रेट्स यहाँ पर डिफरेंट है ओपनिंग स्टॉक के लिए, पूरे क्वेश्चन में देखो क्या ओपनिंग स्टॉक के लिए कोई रेट बताया है, नहीं। तो यहाँ पर मेरे को लेना है स्टैंडर्ड रेट, परचेज अलग से दे के रखी है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे को वैल्यू करना है परचेज के रेट में, तो तीनों अलग अलग है। तो M1 निकालते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल रेट है वो तीनों के लिए अलग अलग है। तो M1 निकालते टाइम सबसे पहले मैं लेता हूं, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द रेट्स। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 35 किलो 40 किलो, 35 किलो 40 किलो इंटू ए बी, ठीक है? अब लेना क्या है स्टैंडर्ड रेट, 4 रुपए 3 रुपए लूंगा। तुम लोग बोलोगे भैया गलत बात है, एक्चुअल रेट लेना था, आप स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हो? बेटा क्वेश्चन में लेना पड़ता है, लेना पड़ता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला नहीं है पर ये हम लोगों का एज्यूम्ड रहता है कि हमको लेना है। मैं तुम लोगों को नोट्स में लिखा दिया हूं कि जब भी क्वेश्चन नहीं स्पेसिफाई करेगा स्टैंडर्ड रेट उठा लेना। प्लस परचेस तो डायरेक्ट देके रखी है 3400 और 3000, अमाउंट ही देके रखा है तो क्या इनटू करके निकालना, और क्लोजिंग स्टॉक देके रखी है मेरे को 5 किलो 50 किलो, 5 किलो और 50 किलो। लेकिन परचेजेस की रेट क्या है, परचेजेस की रेट तो देके नहीं रखी है पर अमाउंट तो देके रखा है, ए और बी का केजी देके रखा है और कॉस्ट देके रखा है, तो क्या मैं कॉस्ट पर केजी निकाल सकता हूँ? आठ सौ किलो 1200 किलो क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ जी, कॉस्ट अपॉन 3400 डिवाइडेड बाय 800, तो पर केजी है ये 4.25, 3000 डिवाइडेड बाय 1200 पर केजी है ये 2.5, ये मैंने निकाल लिया। तो यहाँ लिख दो भाई 4.25 और 2.5, तो ये इतना लंबा प्रोसेस तुम्हारा होगा M1 निकालने का। क्यों? क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक परचेस क्लोजिंग स्टॉक तीनों में रेट्स में डिफरेंट है, मतलब बेसिकली परचेस क्लोजिंग स्टॉक का रेट सेम रहेगा, ओपनिंग स्टॉक डिफरेंट, तो M1 तुमको इतना जूझ के निकालना पड़ेगा। तो अब इसका टोटल अमाउंट निकाल लो, टोटल मेरे को यहां मिलेगा 35 इंटू 4 मेमोरी प्लस 40 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC 3400 प्लस 3000, 5 इंटू 4.25 मेमोरी प्लस 5 इंटू 4.25 मेमोरी प्लस 50 इंटू 2.5 मेमोरी प्लस MRC, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ रहा है 6513.75, ये आ गया M1। क्लियर है? लॉन्ग प्रोसेस ना? हाँ जी भैया लॉन्ग प्रोसेस पर करना पड़ेगा। M2 कैसे निकलता है? M2 निकलता है तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। चलो भाई बच गए, क्यों बच गए? क्योंकि यहां पर कॉन्स्टेंट कॉमन है, स्टैंडर्ड रेट लेना है, स्टैंडर्ड रेट ही लेना है सब में, यहां पर एक्चुअल रेट लेना पड़ता है, तो इसका एक्चुअल रेट अलग था, वो दोनों का एक्चुअल रेट अलग था, पर यहां पर समथिंग डिफरेंट, यहां पर सबका स्टैंडर्ड रेट होगा। तो यहाँ कॉमन रेट है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो एक्चुअल क्वांटिटी कैसे आ जाएगी? एक्चुअल क्वांटिटी अब इस पर वैसे निकालो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गई एक्चुअल क्वांटिटी, इनटू कर दो स्टैंडर्ड रेट 4, 3, लो जी आ गया 35 प्लस
प्लस 800 माइनस 5 इंटू 4 मेमोरी प्लस 40 प्लस 1200 माइनस 50 इंटू 3 मेमोरी प्लस एमआरसी 6890 एम टू। इट इज रियली इजी, ठीक है। बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बन के आता है। अगर एग्जाम में आ गया तो फंसने वाला मुद्दा हो सकता है, तो उस फंसने वाला मुद्दा मैं नहीं चाहता। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है भाई बता दो, वही 35 प्लस 800 माइनस 5, 35 प्लस 800 माइनस 5, एक है 830 ए का, प्लस 40 प्लस 1200 माइनस 50 1190 है बी का, तो टोटल है 2020। 2020 को अपने को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है, स्टैंडर्ड रेशियो है 40:60। 2020 इंटू 40% इंटू 60% स्टैंडर्ड रेट 4 और 3 रुपए, कितना आ जाएगा ये 808 इंटू 4 रुपए मेमोरी प्लस 1212 इंटू 3 रुपए मेमोरी प्लस एमआरसी 68 68, दो बार 68, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कैसे आई मैंने यहां लिख दी है, दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी हाउ वी कैन फाइंड, ठीक है। 830 और 1190 कैसे आई है, ऐसे आई है ना, इसका यूज करके। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी का यही मतलब है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, ठीक है। मजा आ रहा होगा तुम लोगों को वैसे करने में बहुत ज्यादा भैया, इतना ज्यादा ही मजा आ जा रहा है कि पूछो मत हमसे, ठीक है। ओके हाँ जी, एम फोर निकाल ले, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये 2000 किलो है इनपुट, ठीक है। तो दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब इसको मिक्स में बना दो 60 और 40, ये देखो यही निकाल लिए थे ना पहले से, ये इनपुट्स है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो दिस इज व्हाट क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको ए और बी में बांट दो 40:60 में, ए और बी में बांट दो 40:60 में, तो 2000 इंटू 40% 60% 800 इंटू 4 मेमोरी प्लस 1200 इंटू 3 मेमोरी प्लस 6800, ठीक है। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, एक्चुअल आउटपुट हमको पता चल चुका था 1700 किलो का है, और ये 15% लॉस के बाद आया है, तो हम निकाल लिए थे 100% कितना होगा ताकि यूनिट्स पता चल सके। 2000 मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज 1700 है, तो 2000 को मैं 40:60 में ए और बी को एलोकेट कर दिया और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर हो गया। मेरे को पता है टफ जंग थी पर हमने जीत लिए बच्चों, बस अब निकालना है हमको फाइनली मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये कैसे निकलता है M4 माइनस M1, ये होता है M4 माइनस M2, ये होता है M2 माइनस M1, ये होता है M3 माइनस M2 और ये होता है M4 माइनस M3, ठीक है। M4 कितना है 6800
और M1 है 6513.75, 6514 कर लेते हैं इसको। तो 6800 माइनस 6514, 286, एम फोर माइनस एम टू कितना है 6890। एडवर्स M2 माइनस M1, M2 6890 माइनस 6514, 376 फेवरेबल। और मिक्स वेरिएंस M3 माइनस M2, M3 कितना है 6868। माइनस 6890, 22 एडवर्स, 6800 माइनस 6868, 68 एडवर्स। ठीक है, लो जी, तो ये आ गए तुम्हारे सारे वेरिएंसेस। ये था धुआंधार क्वेश्चन तुम्हारा। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि एक हम लोग को एडिशनल वेरिएंस निकालना पड़ेगा परचेज के लिए, प्राइस वेरिएंस बस, क्योंकि प्राइस इज द फैक्टर एट द टाइम ऑफ परचेज। उसके अलावा हम लोगों को पूरा पूरा सेम टू सेम करना है, बस कैलकुलेशन के टाइम में वो ये ध्यान देना है कि हम लोगों को कंजम्पशन लेनी है, कंज्यूम लेना है, और वो कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके। और उसमें भी M1 में एक स्पेशल केयर रखना है कि जो M1 का एक्चुअल रेट है वो डिफरेंट होगा ओपनिंग स्टॉक के लिए और परचेज और क्लोजिंग स्टॉक के लिए डिफरेंट होगा। मतलब परचेज और क्लोजिंग स्टॉक के लिए परचेज वाला रेट होगा, बट ओपनिंग स्टॉक के लिए अगर क्वेश्चन नहीं दे के रखा है तो स्टैंडर्ड रेट दे के रखा है तब तो कोई बात ही नहीं होगी। फिर M2 वही एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी कैसे आएगी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। M3 के लिए रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी वैसी आ जाएगी, उसको रेशियो में बांट देना। और M4 के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तुमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मैं हर क्वेश्चन में बोलता रहा कि जो तुम्हारा एक्चुअल में आउटपुट बाहर निकला है उसके लिए तुमको कितना क्वांटिटी लगा वो तुमको निकालना है, और सही रेशियो में निकालना है, करेक्ट रेशियो में निकालना है। क्लियर हो गई बात? यस। तो ये बच्चों तुम लोग नोट कर लो, और फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फर्दर कॉन्सेप्ट्स के साथ और फर्दर धुआंधार क्वेश्चंस के साथ में, और ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।